त्याग के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के स्मरण में वो सदैव रहे, अपने आप रहे। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजूद आज वो स्मरण में है। आज भी हम उनको नेताजी कहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा नेतृत्व गुण था। वो वास्तव में अपने हित की तरफ ले जाने वाले नेता थे। वो अपने उदाहरण से नेतृत्व करते थे और वो सब में सबके जैसा रहकर नेतृत्व करते थे। नेता के जो लक्षण अपनी परंपरा में बताए हैं, पात्रे त्यागी, सत्पात्र व्यक्ति की पहचान कर उसके लिए छोड़ने वाला, गुणे रागी, गुणों की पहचान करने वाला, गुणों पर प्रेम करने वाला, भागी परिजने सर, अपने परिजनों के द्वारा सर्वत्र सहभागी होने वाला, सुख दुख का भोग सबके साथ करने वाला। नेताजी जैसे यहां म्यूनिसिपल पार्टी के अध्यक्ष रहे, यहां के सम्मानीय नेता रहे, वैसे उनको युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध में जो सरसेनापति होता है, कमांडर होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, मोर्चे पर जाता नहीं, परंतु नेताजी सिंगापुर के जंगलों से लेकर तो आसाम की सीमा तक सेना के साथ आए। वापस जाते समय अन्य सैनिकों को जैसे जाना पड़ा पैदल, नेताजी भी पैदल चलकर वापस गए। वर्णन है उसके, कैसे वो सबके साथ रहते थे, सबके साथ सबके जैसा खाना खाते थे। शास्त्रीय बोध था, शास्त्र जानते थे, रणे योद्धा, उनका युद्ध कौशल, उसकी उसकी उसका क्या वर्णन करना। वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते, और यहाँ के स्वतंत्रता के लिए यहाँ रहकर प्रयास करने वाले और उनका मिलन होता और भारतवर्ष बहुत पहले स्वतंत्र हो जाता। ऐसे नेताजी का स्मरण करना क्यों करना, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, उनके गौरव में यह स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे गुण उनके हमारे अंदर आने चाहिए, ये दूसरी बात है। और उनके सपनों में भारत का जो करना था उनको, वो अभी अधूरा है, तो उस कार्य को भी पूरा करना है।